तब अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, 38 मार्गों का प्रस्ताव हमारे मंत्री अनिल कुमार ने, कपिल देव अग्रवाल ने, सोमेंद्र तोमर और कपिल केपी मलिक ने हमें दिया। हमारा जिलाध्यक्ष यहां के श्री सुधीर सेनी और संदीप मलिक ने ये प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध करवाए, तो मेरे लिए आश्रय किसने भी था, आपने चंदन चौहान को सांसद बनाया है तो उसके प्रति आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित भी कर सको और विकास की योजना का सौगात भी आपको दे सकूं कि आपने दिया है तो उसको उस ऋण से उऋण होने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये विकास होगा, यहाँ के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम हीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास भी आज यहां पर हो रहा है। यहां की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं, यहां पे हमने विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, आपको बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में पड़ोस में मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिए, जब मेरठ ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा, भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। आज हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज यहां पर तमाम उन योजनाओं की भी सौगात हम देने के लिए आए हैं जिन योजनाओं के लिए वर्षों से आपकी तमन्ना थी। मां जीरापुर के काशीपुर खोला में हम लोगों ने धनराशि दे दी है आपको मिनी स्टेडियम के लिए, आज उसका भी यहां पे शिलान्यास हो रहा है। और मैंने मोराना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए भी आपको बता दिया है कि यहां पर हम उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं थी, पर्यटन की दृष्टि यहां पर सुख तीर्थ के विकास के लिए गंगा जी की अविरल धारा को जानसर तहसील में सुख तीर्थ घाट पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने जहां कार्यक्रम किया है, वहीं स्वामी कल्याण देव जी महाराज के उस शिक्षा के उस बृहद अभियान को जिन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती से देश के अंदर फैलाने का काम किया था, इस अभियान के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए